नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी अत्री और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। फरीदाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बागवानी के एकीकृत विकास मिशन के तहत पलवल जिले में टमाटर की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि विभाग की तरफ से जिले में 875 एकड़ भूमि में टमाटर की खेती करने का लक्ष्य दिया गया। योजना के तहत किसानों को टमाटर की फसल का बीज सब्सिडी पर प्रदान किया जाएगा। हरियाणा बागवानी विभाग द्वारा टमाटर की फसल की खेती को बढ़ावा देने के लिए MIDH स्कीम के तहत किसानों को टमाटर का बीज सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जा रहा है। विभाग द्वारा टमाटर की खेती के लिए प्रत्येक जिले को टारगेट दिया गया है। पलवल जिले में लगभग 875 एकड़ भूमि में टमाटर की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ टमाटर की खेती करने के लिए बीज पर 8000 रुपये सब्सिडी प्रदान की जाएगी। किसानों को ये सब्सिडी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को यह सब्सिडी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को परमिट जारी किया जाएगा। विकास निगम ने किसानों को परमिट के आधार पर टमाटर का बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। किसानों को यह दस्तावेज बिल व फार्म बागवानी विभाग के कार्यालय में जमा करवाने होंगे। इस आधार पर सब्सिडी किसानों के सीधे खाते में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत एक किसान को 2 एकड़ से ज़्यादा बीज नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति के किसानों को अप टू 20 FP तक के ट्रैक्टर पर 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत केवल 2 ट्रैक्टर किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें सब्जियों के विस्तार के अंतर्गत MIDH स्कीम के तहत किसानों को टमाटर की खेती पर 8000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसान को विभाग की तरफ से परमिट काट के दिए जाएंगे और यह परमिट HSDC दुकान पर सबमिट करेंगे। इस पर जो है वहाँ इनका बिल काट के देंगे वो किसान के लिए HSDC वाले, और वो बिल तथा डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड और आपका जो है पासबुक की फोटो स्टेट, ये पूर्ण करके जो है इस कार्यालय में जमा करेंगे और किसान के लिए उस पर फिर अनुदान दिया जाएगा। 1 एकड़ पर इसके लिए 8000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है किसानों के लिए, और जो है इस में टमाटर के अंतर्गत इसको बढ़ावा देने के लिए 875 एकड़ का लक्ष्य इस जिले के लिए सरकार ने दिया है।